Now friends, we are going to start with a new topic, that is index number. Students, जब भी government policies बनाता है तो policies बनाने के लिए data का use करता है. वो लोग पहले data collect करते हैं, data को analyze करते हैं, फिर policy बनाते हैं. बट ये data को analyze कैसे किया जाता है? ये data को analyze करने के लिए वो लोग check करते हैं कि कोई भी चीज़ के अंदर कितना changes आ रहा है. जैसे कि हमारे country में saving में कितना changes आया, investment में कितना change आया, इनकम में कितना चेंज आया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनमें आने वाले चेंजेस को समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. और ये चेंजेस के बेसिस पे ये लोग पॉलिसी बनाते हैं. जब भी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी होगी तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत काम आती है. लेकिन ये चेंजेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं? यस, ये चेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर. ये बहुत ही सिंपल टूल है जो हमें हेल्प करता है कोई भी चीज़ में होने वाले चेंज को कैलकुलेट करने के, जो बहुत यूज़फुल है इम्प्रूवमेंट होने वाला इकोनॉमी में समझने के लिए. जैसे कि हम लोग जब भी पेपर पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है कि इकोनॉमी के अंदर ये साल नेशनल इनकम 6% से ग्रो. तो 6% से ग्रो होना मतलब जून के कंपेयर में 6% ज़्यादा, मीन्स वंस अगेन वो चेंज. फिर हम लोग पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन हमारे देश में 5% है, ये भी कैसे कैलकुलेट किया? चेंज, जूना प्राइस क्या था, नया क्या. तो चेंजेस को स्टूडेंट स्टडी करने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है वो है इंडेक्स नंबर. एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला जो यूज़ किया जाता है इज डिवाइस टू मेजर अ चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. टाइम वाइज जो चेंजेस हो रहे हैं ना उसको मेजर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बना था. शुरुआत में प्राइसेस के चेंज को कैलकुलेट करता था कि प्राइसेस कोई भी प्रोडक्ट के जो चेंज हो रहे हैं वो कितने परसेंटेज वाइज चेंज हो रहे हैं. यूजुअली इंडेक्स नंबर परसेंटेज में ही होता है, परसेंटेज में ही हम उसको बताते. सो प्राइस में या कोई भी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर लू इंडस्ट्रियल लू उसके प्राइसेस में होने वाले चेंज को पढ़ने के लिए इंडेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था. और ये सालों से ये टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है. लेकिन प्राइस के साथ साथ आज के ज़माने में स्टॉक मार्केट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के अंदर चेंजेस हो रहे हैं. उन सब को स्टडी करने के लिए इंडेक्स नंबर भी यूज हो रहा है. पहले हम सिर्फ प्राइस में होने वाले चेंजेस को पढ़ते थे, अभी हम क्वांटिटी में होने वाले चेंजेस को भी पढ़ते हैं. हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में होने वाले चेंजेस को पढ़ते हैं, हम लेबर में चेंजेस होने वाले को पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए इंडेक्स नंबर बहुत ही यूजफुल है. इसीलिए ये तुम्हारे 12th के सिलेबस में पुट अप किया. मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि ये काम कैसे करता है और इसको यूज़ कैसे किया जाता है. स्टूडेंट, ऐसा सोचो 2000 में कोई प्रोडक्ट था जिसका प्राइस था 10 और 2010 में उसका प्राइस हो गया 12. अभी हमें इसमें होने वाले चेंज को मेजर करना. तो अब स्कूल में हमने एक टेक्निक सीखी थी, वही टेक्निक का हम यूज़ करेंगे और उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना परसेंटेज वाइज चेंज हुआ था. हम लोगों ने सीखा हुआ था कि कभी भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होता था तो हम लोग ऐसे करते थे कि 10 को अगर मैं 100 कंसिडर करता हूँ तो 12 कितना. सो हम उसको x पुट अप करते थे और फिर सॉल्व करते थे. जैसे कि 10 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 100 इंटू 12, बहुत सिंपल है. फिर ये x की वैल्यू को ढूंढने के लिए तुम क्या करोगे, 100 को मल्टीप्लाई करोगे 12 और डिवाइड किससे करोगे, बाय 10. सो ये x है ना, तुम्हें वो वैल्यू देगा जो चेंज हो रहा है ना उसका, और इसी को बोला जाता है इंडेक्स नंबर. ये इंडेक्स नंबर है और उसको ढूंढने का बहुत सिंपल फार्मूला है, 100 को मल्टीप्लाई करना होगा 12. 12 क्या है, न्यू प्राइस, तो उसको ये लोग लिखते थे P1, एंड 10 क्या है, ओल्ड प्राइस, दैट इज P0. सो P1 अपॉन P0 को मल्टीप्लाई करो 100 के साथ तो तुम्हें एक नंबर मिलेगा, वो नंबर तुम्हें बताएगा कितना चेंज हुआ. जैसे कि अगर ये वाले सम में मैं सॉल्व करता हूँ तो 100 इंटू 12, 1200 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 120. और ये 120 तुम्हें बता रहा है कि 100 जो था जिसका वैल्यू अभी वो 120, मतलब 20% चेंज हुआ. सो इतना ही सिंपल है, हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं. सो 100% वाली चीज़ 120% की हो गई तो 20% क्या आया होगा, चेंज. सो दिस इज हाउ एक फॉर्मूला डेवलप हो गया, बेसिक फार्मूला. इसके अलावा भी दूसरे फार्मूला है इंडेक्स नंबर के, लेकिन बेसिक फार्मूला डेवलप हो गया जो कहता है कि तुम्हें न्यू प्राइस को ओल्ड प्राइस से डिवाइड करना है और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, जिसके दम पर यू कैन कैलकुलेट द चेंज.
सो आई थिंक सो इंडेक्स नंबर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. अभी उसको डिफाइन कैसे किया गया, तो मैंने तुम्हें बताया स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है जिससे हम चेंज को कैलकुलेट करते हैं. एंड इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंजेस. उसी के लिए वो बनाया जाता है. किसके अंदर चेंजेस? वेरिएबल. वेरिएबल मतलब प्राइस के अंदर चेंज हो सकता है, इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के अंदर, कोई भी चीज़ के अंदर चेंजेस को मेजर करने के लिए जो कॉन्सेप्ट बना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर. अभी ये चेंजेस कैसे हो सकते हैं? यूजुअली टाइम वाइज चेंज हो सकता है, बिकॉज चेंजेस होने के लिए टाइम होता है कि पहले इतना था अभी इतना था. कभी कभार ज्योग्राफी वाइज, लोकेशन वाइज भी चेंजेस होते हैं. जैसे बॉम्बे में प्राइस प्रोडक्ट का 100 है और दिल्ली में प्राइस प्रोडक्ट का 150 है, तो तुम ऐसे एरिया वाइज भी चेंजेस को स्टडी कर सकते हो. सो यू कैन स्टडी टाइम, एरिया, इनकम, प्रोफेशन के, प्रोफेशन वाइज एक टीचर की इनकम कितनी है और एक प्रिंसिपल की इनकम कितनी है, उधर के चेंजेस को पढ़ सकते हो. तो इनकम, प्रोफेशन, ऐसे बहुत सारे चीज़ों के अंदर होने वाले चेंजेस को तुम स्टडी कर सकते हो विद अ सिंपल फॉर्मूला, दैट इज दिस इंडेक्स नंबर. आई थिंक सो कि मैंने इंडेक्स नंबर को एकदम सिंप्लीफाई वे पे तुम्हें बता दिया. और ये सीखना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि ये तुम लोग हायर लेवल के कोई भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक को पढ़ोगे सब जगह पर याद है. वहाँ पर जितने भी नंबर्स पुट अप किए जाते हैं वो सारे नंबर्स के कैलकुलेशन के पीछे ये लॉजिक होता है. सो ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. सो मैंने तुम्हें एक डेफिनेशन बताया इंडेक्स नंबर का, अभी मैं साथ में तुम्हें दूसरा डेफिनेशन भी बताऊँगा और इंडेक्स नंबर के फीचर्स पे थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं.